गोलगप्पे टिक्की हों या चाट पकौड़े हों, धनिया की चटनी के बिना सब अधूरे हैं। लेकिन धनिया की चटनी को केवल आप 7 से 10 दिन ही एक बार बना के खा सकते हैं। लेकिन आज कुछ स्पेशल आपके लिए लेकर आए हैं जिसे आप एक बार बना के 7 से 10 दिन नहीं पूरे साल भर खा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्मेल विद टेस्ट पे, जहाँ पर अगेन आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी जो बनाने बहुत ही आसान है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट। तो धनिया आना कम हो जाए इससे पहले इस रेसिपी को बना के तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पर हमने लिया है 100 ग्राम धनिया। यहाँ पे हमने कच्चा धनिया लिया है, यानी पतली डंडी वाला धनिया हमने लिया है। गड्डी मिलती है तो आप गड्डी भी ले सकते हैं, और जो इतनी मोटी वाली डंडी होती है ना, बस उन्हें हटा देना है। कोई धनिया के अलावा कोई और पत्ता हो, कोई घास हो, कोई पीला पत्ता हो, उन्हें हटा के हमने हमारे धनिया को बिल्कुल अच्छे से साफ कर लेना है। और सारे धनिया को एक बड़े बर्तन में लेके अच्छे से वॉश करना है। बर्फ़ वाले पानी से वॉश करेंगे तो उसका कलर बना रहेगा, नहीं तो आप नॉर्मल ठंडे पानी से भी इसे वॉश कर सकते हैं। बर्फ़ से हमारे धनिया का कलर बिल्कुल भी पीला नहीं पड़ता। हमें एक लंबे समय के लिए हमारी ये रेसिपी बना के रखनी है, तो धनिया का कलर बना रहे इसे सुखाने के बाद भी, तो हमने इसलिए बर्फ़ डाल के हमारे धनिया को वॉश करा है। करीब 3 से 4 बार इसे वॉश करेंगे, और वॉश करा हुआ पानी ना फेंक कर उसे प्लांट्स में हम यूज़ कर सकते हैं। धनिया में अच्छी खासी गंदगी रहती है, इसलिए काफ़ी पानी वेस्ट हो जाता है, इसलिए पानी वेस्ट ना करके हम उसे प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। सारा ही धनिया हमने अच्छे से 3 से 4 बार वॉश कर लिया है, और 10 मिनट के लिए इस तरह से हमने इसे छोड़ दिया है जिससे कि इसका पानी निचड़ जाए। अभी मार्केट में बहुत सस्ता बहुत अच्छा हरा धनिया आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़नी और स्टार्ट होगी धनिया आना कम हो जाएगा। पूरी गर्मी अगर आपको धनिया का मज़ा लेना हो तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही गजब की रेसिपी है, और आप पूरे साल भर ईजिली इसे यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा धनिया से आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पे हमने केवल 100 ग्राम धनिया लिया है, आप चाहें तो यहाँ पे 1 से 2 गड्डी एक साथ यूज़ करके बना सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं, और बस इसे कपड़े पे हम इस तरह से फैलाने जा रहे हैं। एक कॉटन के कपड़े पे ही हम इसे फैला रहे हैं, रूम में ही पंखे के नीचे करीब 1 से 2 घंटे के लिए, इसका सारा पानी अच्छे से सूख जाए, आप इसे आराम से फिर स्टोर कर सकते हैं पूरे साल के लिए। दूसरी तरफ यहाँ पे तैयारी कर लेते हैं इसके मसाले की, जिसके लिए यहाँ पे हमने गैस पे चढ़ाया है पैन, 2 चम्मच जीरा लिया है, साथ में 4 से 5 यहाँ पे हम ले रहे हैं साबुत लाल मिर्च, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने लिया है 2 चम्मच करीबी धनिया, ड्राई रोस्ट करना है जब तक कि हल्का सा भून ना जाए, हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा कलर चेंज करना, और इसमें से हल्की हल्की सी खुशबू ना आने लगे जब तक हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट हमारी आज की रेसिपी में आएगा, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है, और आप देख सकते हैं हल्का सा इसका कलर भी चेंज हो गया है। बस अब हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, और इसे ठंडा करके हम ले लेंगे इसे एक मिक्सी जार में, और दरदरा से ग्राइंड कर लेंगे। और दूसरी तरफ यहाँ पे हमने पैन में डाल दिया है सरसों का तेल, आधा कप, पूरा आधा कप सरसों का तेल यहाँ पे हमने डाला है। इसे अच्छे से गर्म कर लेंगे जिससे कि इसकी स्मेल निकल जाए। पूरे 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे बाद हमारा धनिया बिल्कुल अच्छे से सूख के तैयार है। इसे बिल्कुल बारीक बारीक हमने चॉप कर लेना है। आप देख सकते हैं पूरे 2 घंटे हमने इसे सुखाया है अच्छे से वॉश करके, उसके बाद भी हमारा धनिया बिल्कुल खिला खिला बना हुआ है। इसे बस धूप में नहीं सुखाना, रूम टेम्परेचर पर ही सुखाना है, पंखे में सुखाना है, लेकिन धूप में बिल्कुल नहीं सुखाना, और बस इस तरह से हमने इसे बारीक बारीक कट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने हमारा सारा ही धनिया बारीक चॉप करके रख लिया है। इस धनिया को भी एक बार 5 से 10 मिनट के लिए हम इसी चॉपर बोर्ड पे फैलाने वाले हैं। आप किसी प्लेटफॉर्म पे या किसी प्लेट में फैला सकते हैं, जिससे कि कटने के बाद जो हल्का सा मॉइस्चर होगा वो भी सूख जाएगा, ज़्यादा नहीं, बस 5 से 10 मिनट के लिए हमने इसे फैला देना है। तो सारा काट लिया है, बस यहीं पर ही हम इसे फैला के रख देंगे 10 मिनट के लिए। इतने 10 मिनट में इसका सारा मॉइस्चर सूखता है। यहाँ पे हम ले रहे हैं इमली, यहाँ पे हमने 100 ग्राम धनिया के लिए ली है 25 ग्राम इमली, अच्छे से इसे वॉश करना है बिल्कुल अच्छे से, करीब 2 से 3 बार इसे भी वॉश करेंगे, और गर्म पानी में 10 मिनट के लिए इसे भिगो के हमने छोड़ देना है। 6 से 7 लेंगे लहसुन की कली, इन्हें हम दरदरा कूट लेंगे, मिक्सी जार पेस्ट नहीं बनाना, दरदरा इन्हें कूट लेंगे। और 10 मिनट बाद इमली को इस तरह से मसलते हुए इनकी सारी गुठली हम निकाल लेंगे, कोई भी रेशा इनके ऊपर हो तो वो भी हमें हटा देना है, नहीं तो वो हमारी इस रेसिपी को ख़राब कर देंगे। सारा ही रेशा और सारा ही इसका पल्प अलग कर देना है। सारे सीड्स को रिमूव करके हमने पल्प अलग ले लिया है, पानी अलग है, पानी को एक बार छन्नी से हमने छान लेना है, क्योंकि जो भी गंदगी होगी जैसा कि आप देख सकते हैं वो भी हमारी सब हट जाएगी इससे। और जो हमने पल्प निकाला था सीड्स को अलग करके, जो इमली का पल्प था, वो सारा ही पल्प हमने मिक्सी जार में डाल के
एक स्मूथ पेस्ट बना लेना है, ना बने तो इसी पानी को डाल के आप स्मूथ पेस्ट उसका बना के तैयार कर सकते हैं। तो हमने थोड़ा सा यही एक चम्मच करीब पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लिया था और सारा ही पेस्ट इस पानी में अगेन डाल देंगे और एक घोल बना के हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पे तेल भी हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं अच्छा धुआं इसमें से उठ रहा है। ये स्टेप बहुत ज़रूरी है, इसे हमने आधा ठंडा कर लेना है, पूरा नहीं आधा ठंडा करेंगे। ऐड करेंगे यहाँ पे सरसों के दाने, काली पीली दोनों के सरसों के दाने लिए एक चौथाई चम्मच, एक चौथाई चम्मच मेथी ली है, 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने हींग लिया है, साथ में यहाँ पे 1/4 टेबलस्पून ही यहाँ पे हम ले रहे हैं सौंफ और 1/4 टेबलस्पून ही यहाँ पे हमने कलौंजी ली है। अच्छे से इस तरह से हिला देंगे जिससे कि हमें ओवर कुक नहीं करना, बस एक अच्छी सी खुशबू हमारे तेल में आ जाए, इसलिए हमने सब चीज़ें तेल में ऐड करी हैं। हमने कोई तड़का नहीं तैयार करना है इनका, ना ही हमने इन सभी चीज़ों को कुक करना है, बस अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे तेल में, इसलिए हम इसे हिलाते हुए इस तरह से 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे अच्छी सी खुशबू इसमें आ जाए। उसके बाद अगेन हम यहाँ पे गैस को जलाएंगे और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा लहसुन जो हमने दरदरा कूट लिया है। लहसुन को ऐड करते ही नीचे हमारी सभी चीज़ों का कुक प्रोसेस रुक जाएगा, वो कुक नहीं होंगी। बस 30 सेकेंड्स के लिए चलाते हुए हम लहसुन को भी सोटे कर लेंगे, ज़्यादा नहीं, जस्ट 30 सेकेंड्स के लिए हम हमारी लहसुन को सोटे करेंगे और उसके तुरंत बाद ही यहाँ पे हम ऐड कर देंगे हमारा इमली का पल्प, जिससे कि कोई भी चीज़ हमारी ओवर कुक ना हो। तेल को अच्छे से कुक करके डालने से हम हाथ के हाथ ही हमारा अचार खा सकते हैं, साथ ही साथ इसकी लाइफ भी अच्छी बढ़ जाती है, इसलिए हमने तेल को अच्छे से कुक करा है जिससे कि उसकी रॉ स्मेल निकल जाए। और बस फटाफट से हमने इमली को भी चला देना है, इमली के पानी को हमने अच्छे से कुक कर लेना है क्योंकि हमने जो पानी ऐड करा था उसका मॉइस्चर हमारे इस रेसिपी में नहीं रहना चाहिए। पूरे ही प्रोसेस में गैस हमारी रही है स्लो फ्लेम पर, अच्छे से कुक हो गया है हमारी इमली भी। ऐड कर देंगे यहाँ पे हमारा पाउडर, दरदरा पाउडर जो हमने धनिया, लाल मिर्च और जीरे का बनाया था, ऐड कर दिया है। कुछ सेकंड्स के लिए उसे भी सोटे करने के बाद यहाँ पे हमने ऐड कर दिया है हमारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, सारे ही धनिए को यहाँ पे हमने ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है हमारे इस मसाले के साथ। और एक बार इस मसाले के साथ मिक्स करने के बाद अब यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून यहाँ पे हमने ऐड किया है हल्दी, 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं कश्मीरी लाल मिर्च और 1/4 टीस्पून ही यहाँ पे हमने ऐड करा है सफ़ेद नमक। और बस सभी इंग्रेडिएंट्स को बिल्कुल अच्छे से हमने मिक्स कर देना है। कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी ऐड करने से बहुत अच्छा कलर आपकी इस रेसिपी में आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे करीब 1 से 2 मिनट के लिए हमने और कुक होने देना है जिससे कि धनिया हमारा अच्छा सॉफ्ट हो जाए। और आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, देखने में ही कितनी टेम्पटिंग लग रही है। और बस पूरे 1 से 2 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। और बस इस लेवल पे हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है, तेल बिल्कुल अच्छे से अलग हो चुका है धनिए से, धनिया भी सॉफ्ट हो गया है, उतार लेंगे इसे ठंडा होने के लिए। बिल्कुल अच्छे से ठंडा होने देना है, उसके बाद ही हम इसे जार में भर के रखेंगे। एक बार बना के पूरे साल भर खाने वाला आपका धनिए का गजब का अचार बन के तैयार हो गया है। बिल्कुल अच्छा सा ठंडा होने के बाद ही आपको इसे सर्व करना है और उसके बाद ही आपको उसे स्टोर करके रखना है, किसी कांच के जार में स्टोर करके रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इसकी सेल्फ लाइफ ग्लास के जार में अच्छी बनी रहती है। तो आप देख सकते हैं इसका कलर, इसका टेक्सचर, और बिल्कुल अच्छे से ठंडा हो गया। उसके बाद हमने इसे डाल दिया है एक ग्लास के जार में। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि धनिया सड़ना स्टार्ट हो जाए, ख़त्म हो जाए बाज़ार में, एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये रेसिपी इतनी टेस्टी है कि आपको किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसी से 4 रोटी आराम से खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने सारा ही डाल दिया है इस जार में और बस इसे आप बिना फ्रिज के भी आराम से स्टोर करके रख सकते हैं, और चाहे तो आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करके देखिए, हमारे साथ शेयर करिए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। थैंक यू।